पौड़ी में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए फलदार सेब के बगीचे लगाए जाने को लेकर किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी शिरकत की। कार्यशाला में डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जिले में एक साल में कम से कम 100 बगीचे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार करने हैं। उन्होंने कहा कि इससे पलायन पर अंकुश लगेगा और उन्होंने किसानों को सेब के बगीचे तैयार करने के लिए कुछ धनराशि को प्रेरित करने के लिए शून्य ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने को लेकर कहा कि कार्यशाला में इंडो डच हार्टिकल्चर के निदेशक सुधीर चड्ढा ने कहा कि केवल प्लॉटिंग करना पर्याप्त नहीं बल्कि बेहतर पौध का चयन, प्लॉटिंग के बाद खाद पानी उपलब्ध कराने का दवा छिड़काव, कटिंग के साथ ही अन्य तकनीक पहलुओं की भी जानकारी रखना जरूरी है। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। हमारा खिरसू ब्लॉक है, पाबो ब्लॉक है और थैलीसैन ब्लॉक है। यहाँ जो क्लाइमेट है तो वो सेब की खेती के लिए बहुत अच्छा है और मैं आज चड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एप्पल मिशन को भी, कि मेरे बुलाए पे आज यहाँ आए थे और हम इस साल कोको कोला के सीएसआर से और चड्डा जी की कंपनी की तरफ से 100 बगीचे लगाने का हमने टारगेट दिया है। कोई भी किसान उसमें अप्लाई कर सकता है और कोऑपरेटिव विभाग उसको 0% पे जो है 1.5 या 2 लाख रुपए जो भी लेना चाहेगा उसको ऋण भी देगा। कि ये जो सेब की खेती है ये अब लो हाइट में भी होती है, हालांकि यहाँ ऐसा लो हाइट नहीं है लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं जो लो हाइट है, कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 1000 मीटर, तो 1000 मीटर वाले किसान के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि वो अपने ज़मीन में भी सेब लगा सकता है। 1000 से 2500 तक गाला जो वेराइटी है वो बड़ी कामयाब है और गाला का दाम भी कम ज़्यादा मिलता है और पहले बाजार में आ जाता है, तो इसलिए अधिकतम दाम मिलता है।